गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर कंप्यूटर लेक्चर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 5, एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर की एप्लीकेशन के बारे में रीड करने वाले हैं। ओके, टुडे कंप्यूटर आर यूज्ड इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ अ लाइफ। जो आज के समय में कंप्यूटर का यूज़ लाइफ के हर फील्ड में किया जाता है। कंप्यूटर इज़ नाउ यूज टू एक्वायर इंफॉर्मेशन नीडेड टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिसर्च एटसेट्रा। इट मीन्स कि कंप्यूटर का यूज़ न्यू एरियाज में, इट मीन्स कि हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, शिक्षा में, रिसर्च में उपयोग किया जाता है। किसके लिए? नई चीज़ों का पता लगाने के लिए। ठीक है, आगे क्या है यूजेज ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के यूज़ क्या है, हम ये पढ़ने वाले हैं। इन एजुकेशन, एजुकेशन में क्या यूज़ है? कंप्यूटर इज़ वाइडली यूज्ड इन स्कूल। कंप्यूटर का यूज़ व्यापक है। कहाँ पर? स्कूल में। तब वाइडली यूज़ किया जाता है इन स्कूल। फर्स्ट पॉइंट इज़, इट इज़ यूज्ड फॉर टीचिंग पर्पज़। किसके लिए? टीचिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू मेक टाइम टेबल, टाइम टेबल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू मेंटेन स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू कलेक्ट फी एंड प्रिपेयर रिजल्ट। और किसके लिए? जब हम कलेक्ट करते हैं फी को, उसका रिकॉर्ड बनाने के लिए और रिजल्ट प्रिपेयर करने के लिए, रिजल्ट बनाने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू राइट ऑफिशियल लेटर, नोटिस, मेमो, एरम, इन्विटेशन एटसेट्रा। इट मीन्स कि इसका यूज़ ऑफिशियल लेटर्स को लिखने के लिए, नोटिस लिखने के लिए, इन्विटेशन, मेमो लिखने के लिए भी किया जाता है। ये थे हमारे एजुकेशन में क्या यूज़ है कंप्यूटर का, वो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि एट होम, यानी कि घर पर। क्योंकि कंप्यूटर इज़ वेरी इनिशियल इन मॉडर्न लाइफ। कंप्यूटर क्या है? बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। सम चिल्ड्रन आल्सो हैव कंप्यूटर एट देयर होम्स। कुछ बच्चों के पास कंप्यूटर कहाँ है? अपने घर पे भी है। दे यूजेस कंप्यूटर फॉर, किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेलने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज स्टडिंग वेरियस सब्जेक्ट, स्टडी करने के लिए सब्जेक्ट्स को। ठीक है, लर्निंग स्पेलिंग, स्पेलिंग लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, मेकिंग ड्राइंग ऑन इट, उन पर ड्राइंग करने के लिए, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ देयर पॉकेट मनी, वो रिकॉर्ड करते हैं अपने पॉकेट मनी को मेंटेन। ठीक है, किस पर? कंप्यूटर पर। ऐसे ही ये हमारे क्या थे, घर पर बच्चे क्या यूज़ करते हैं सिस्टम का, वो हमने पढ़ा। ठीक है, अब है इन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में क्या यूज़ किया जाता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन। ठीक है, कि कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहाँ पर? एयरपोर्ट पर और रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, इट मीन्स कि कंप्यूटर इन्फॉर्म्स पैसेंजर्स अबाउट द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ एरोप्लेन्स एंड ट्रेन। कि कंप्यूटर हमें इन्फॉर्म करता है पैसेंजर, यानी कि जो यात्री का आने का और जाने का जो टाइम है, मतलब एरोप्लेन्स का और ट्रेन्स का। ठीक है, कि किस समय ये ट्रेन आने वाली है, किस टाइम ये ट्रेन जाने वाली है, ये सारा रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? कंप्यूटर करता है। कहाँ पर? इन ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, इट मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड अलर्ट्स रिजर्वेशन टू वेरियस पैसेंजर। ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है किसका? अगर हमें वेरियस पैसेंजर्स की हमें क्या करनी है, रिजर्वेशन करनी है। ठीक है, ये हमारे ट्रांसपोर्ट में यूज़ थे कंप्यूटर के। ऐसे ही क्या है, बैंक में क्या यूज़ किया जाता है? कंप्यूटर यूज्ड इन बैंक्स फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट अकाउंट होल्डर। कंप्यूटर का बैंक में यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। किस कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए? जितने भी हमारे डिफरेंट अकाउंट होल्डर होते हैं उनमें करने के लिए।
ठीक है। ऐसे ही इट हेल्प्स इन कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द कैश, ये हमारी हेल्प करता है किसमें कि जितना भी हमने कैश रखा है कहाँ पर बैंक में, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ठीक है, समझ में आया कि बैंक में क्या यूज़ है कंप्यूटर का, कि वो सारे अकाउंट होल्डर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और जितना भी कैश हमने कलेक्ट कर रखा है उसको सारा रिकॉर्ड रखता है। रिकॉर्ड रखने में क्या करता है, हेल्प करता है कंप्यूटर। ओके, फिर क्या है, डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर हेल्प इन डिज़ाइनिंग मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, बुक, एडवर्टाइजमेंट एट्सेट्रा। इट मीन्स कि कंप्यूटर हेल्प करता हमारी मैगजीन को डिज़ाइन करने में, न्यूज़पेपर्स को, बुक्स को, एडवर्टीजमेंट को। ओके, ऐसे ही क्या है लास्ट पॉइंट, इट हेल्प इन डिज़ाइनिंग बिल्डिंग हाउसेस एट्सेट्रा, कि ये हमारी हेल्प करता है बिल्डिंग को डिज़ाइन करने में, हाउस को, हाउस का डिज़ाइन करने में। ओके, क्या है डिज़ाइनिंग में क्या हेल्प की उन्होंने, न्यूज़पेपर को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, मैगजीन को, बुक्स को, एडवर्टीजमेंट्स को। ओके, ऐसे ही क्या है बिल्डिंग्स को और हाउस का भी डिज़ाइन करने में सिस्टम हमारी हेल्प करता है, इट मीन्स कंप्यूटर हमारी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि हॉस्पिटल में क्या यूज़ किया जाता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू डायग्नोज एंड क्योर डिसीज़, कि कंप्यूटर का यूज़ हॉस्पिटल में डायग्नोज एंड क्योर डिसीज़, यानी कि इलाज करने के लिए, उपचार करने के लिए डिसीज़ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट्स, ये इसका उपयोग किया जाता है मेडिकल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने में, बनाने में। ठीक है, हॉस्पिटल का ये यूज़ था। ठीक है, फिर लास्ट में अब हम पढ़ने वाले हैं स्पेस एंड रिसर्च, स्पेस में और रिसर्च में कंप्यूटर क्या हेल्प करता है, क्या यूज़ है उसका, अब हम लास्ट में ये पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर इज़ यूज्ड टू लॉन्च सैटेलाइट्स एंड रॉकेट, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में और रॉकेट को लॉन्च करने में। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज़ कंप्यूटर इज़ यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ सैटेलाइट इन द स्पेस, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है मूवमेंट ऑफ सैटेलाइट इन द स्पेस, यानी कि स्पेस में जो सैटेलाइट्स की मूवमेंट है उनको कंट्रोल करने में क्या किया जाता है, सिस्टम का यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा कि कंप्यूटर क्या है, बहुत ही इनिशियल है हमारी लाइफ में। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है हमने ये पढ़ा, कहाँ कहाँ पर, एजुकेशन में, होम में, ठीक है, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट में, बैंक, डिज़ाइनिंग, स्पेस, हॉस्पिटल, हम यहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो चीज़ें समझ में आई होगी कि हमने चैप्टर 5th इसमें यूज़ किया एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, रिवाइज करना। ओके, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।